फेसबुक पे लगा रखा है ना, नकली बैरू प्यार और इस तरह से फोटो हाँ जी हाँ लगा रखे हजूर पिताजी के, जी, तो वो आपको किसने कहा नकली है असली है, ये आप देखे हो? आपको अपने गुरुजी की सोच का पता नहीं है? हाँ पता है, जी, फिर लेकिन आपको ये भी तो पता है ना, अभी नया वर्जन आता है अपने डेरे के अंदर, मसाना जी के वचन है नित नए चौंध होंगे। मतलब क्या वो पंचकुला कांड भूल जाएगा गुरु? है तो पंचकुला कांड भूल जाएगा गुरु जी? आवाज साफ नहीं आ रही, कैसे कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी, पंचकुला कांड भूल जाएंगे क्या? अरे भूल जाएंगे वो तो, देखो वो तो ना सतगुरु जी, वो संत पीर की होते हैं ना, वो रजा मानते हैं, वो जब भी कोई मौके पे कोई भी ऐसे हादसा होता है, चाहे वो कोई खुशी का पल होता है, उसको ना मालिक की रजा मानते हैं, तो वो भी वो सतगुरु की रजा थी कि नहीं गुरु जी वो ने खेल तो खेलना था। गुरु जी ने तो मना किया था ना पंचकुला आने के लिए मना तो साहब। अपने को करते हैं ना, भी वतनों में रहना है, शराब नहीं पीनी है, बुरे काम हाँ नहीं करने हैं, अपने वतनों में तो अपने को कहते हैं ना, तो अपने वतन मानते हैं। हम तो मानते हैं, कितने के मानते हैं? आप मानते हो, मैं नहीं मानता। फिर आप उस शिष्य ही क्या हो जो गुरु के वचन नहीं मानते? तो फिर मैं ये तो बता रहा हूँ ना, भी जैसे अब 3 वचनों पे चलो पक्के हैं, सेवा सुमन कर लेते हैं, बाकी पिताजी कहते हैं झूठ नहीं बोलना बेटा, काम में सच्चाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारे वचन होते हैं जो अपने सारे फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन अच्छा, जो अपने फायदे के लिए वो मानने चाहिए, जो आप अपने फायदे के लिए नहीं, ना मैं वो नहीं नहीं कह मानने रहा, मैं ये चाहिए। नहीं कह रहा, लेकिन दुनियादारी है ना, भी चलो चलता रहता है, भी चलो वचन पिताजी के वचन है, भी चलो उसमें भाई नशा नहीं करना है, तो अब नशा नहीं करना तो बहुत सारे प्रेमी अफीम खाते हैं, और बहुत सारे जर्दा बीड़ी तम्बाकू ये इसका सेवन करते हैं, पोस्ट भी खाते हैं बहुत सारे प्रेमी, तो फिर कहने वो का मतलब है कि प्रेमी नहीं वो है ना, जो गुरु जी के वचन नहीं मानते वो प्रेमी कहाँ से हो गए? यार अपने को, मेरी बात सुनो, जब आप शुरू में पहले आपने नाम जान लिया हाँ उस जी, समय आप कोई बुराई से नहीं जुड़े हुए थे? नहीं जी, मैं बचपन से नहीं जुड़े नाम हुए थे, लिया बहुत था। अच्छी बात है, आपके वो बढ़िया खानदान था, लेकिन आजकल अपने किसी को नाम दिलवा के लाते हैं, कोई शराब पी रहा होता है वो बाद में शराब छोड़ देता है, फिर वो बढ़िया इंसान बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, उसके बाद में वो सारे वचन फॉलो करने लग जाता है, और प्रेमियों को नाम दिन और वो लोगों को नाम दिलवा के प्रेमी बनाने लग जाता है, तो अपने है तो वो बुराई छुड़ाने वाले ही गुरु जी, धीरे धीरे छूटती है बुराई, तो चलो, मेरा कहने का मतलब आप ये मेरे को एक सवाल का जवाब दियो, हाँ हमारे गुरु जी को 3 केसों में सजा मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? हाँ कभी हाई कोर्ट में केस ओपन क्यों नहीं करवा रहे डेरे के वकील? वो पिताजी की रजा है, पिताजी ने मना कर अच्छा, रखा है जो उसको, पिताजी ने मना कर रखा है कि भाई हमारे पिताजी ऊपर इल्जाम लगे रहे हो? अरे वो तो ना मस्ताना जी के वचन है, अभी जो डेरे की जितनी निंदा होगी दिन दुगनी रात दुगनी डेरा तरक्की करेगा, मेरा खुद का करंट पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ डेरा है अच्छा, नजदीक ये में, बुराई करनी तरक्की है? हाँ ये मस्ताना जी के नहीं, वचन है, आपको मस्ताना जी अगर के कोई वचन है। मस्ताना जी के वचन याद हैं तो हजूर पिताजी के वचन याद नहीं है? जैसे हजूर पिताजी ने ये बोलते थे, जब भी उसके ऊपर कोई आरोप लगता था, मीडिया में सवाल करते थे, तो ये कहते थे हमारे को फंसाया जा रहा है नशा बाप माफियों के द्वारा, जो बुराई को रोकने वाले हैं वो उन्होंने हमारे साथ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ये अब ये आया ना, तो ये एक तो बुरा ना मत मानना, ठीक है, क्योंकि हम आपस में गुरु भाई हैं, आपने मान ले आपने गुरु के प्रति प्रेम जगाया तभी आपने मेरे से बात करनी चाहिए, भी आपने हमारे गुरु को नकली कैसे बोल रहे हो, इसलिए फोन किया ना। तो एक बात बताओ, जब भी 7 बार आया ये पैरोल पर, 7वीं बार आया तो बरनावा क्यों आ रहा है? और जब भी ये देवी देवताओं की बात करता है और कुएं से मेंढक बना के समुन्द्र वाला मेंढक बनाऊंगा, ये बातें अच्छी लगती है क्या संत को? कई बातें ऐसी हैं, गुरु जी की सोच है ना, जो हमारे गुरु जी की सोच है वो सोच से जुड़े हैं ना, हम उसकी शक्ल या आवाज से नहीं जुड़े, क्योंकि उसकी सोच जो थी ना वो इंसानियत के, इंसानियत बनाई है उन्होंने हमारे अंदर, इंसानियत का जज्बा भरा है। हम किसी की दुख दर्द में शामिल हो, खून दान दिया करते थे, करते हैं, या हमारे अंदर जो भी गुण है तो उसकी वजह से है ना। फिर आप ये बताओ ना, गुरु का परिवार सारा डेरा छोड़ के चला गया और गुरु जी का आधार कार्ड नंबर बदल दिए, ठीक है, पिताजी का खुद आधार कार्ड में पिताजी का नाम निकाल के शास्त्र नाम भी लिख दिया, बताओ ये कोई इंसानियत है? ये एक पिताजी ने पहली फिल्म बनाई थी तो वो हकीकत बनाई थी, जिंदगी की रियल कहानी है पिताजी की, उन्होंने ये कहा था 200% हमारी सच्चाई है।
तो ये पिताजी ने हमारे जब सच्चाई दिखा के गए हैं फिर भी हम नहीं मानते, तो इसमें गुरु का क्या दोष है? क्योंकि मुस्कान है जो नहीं, पिताजी अब जाके वहां, आप जाके वहां पे दरबार में। के, यार हम जाएंगे क्या? हमारे को तो बालगढ़, आपने सुना होगा, 45 मेंबरों ने हमारे साथ मारपीट करी थी किसी सवाल के ऊपर, कहां बताओ पे? बालगढ़ डेरे में। पता करके बता दो ना, वो संजय सैनी है, जो भी वहां के जिम्मेवार हैं, ब्लॉक का बंगी दास था, और 45 मेंबर कविता बबीता है, उनके लड़कों ने, 10 10 लड़कों ने हमारे को बंदी बना के पीटा था। ये कोई इंसानियत थोड़ी है? गुंडे मान ले, गुंडा तो तब है ना ये, मारपीट करना कोई पिताजी के वचन है क्या? अगर भले ही कोई राक्षस आ जाता, पिताजी के कहते थे सत्संग में, उसको भी पिताजी ये नहीं कहते थे तू राक्षस है, तो ये कहाँ पता रखते की, हैं सबका। हाँ ये कहाँ की इंसानियत है? छेड़खानी के मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी देते हैं, कोई भी सवाल करते हैं, अपने गुरुजी के पक्ष में कोई बात रखते हैं भी, ये हमारे गुरुजी के केस के बारे में बताओ कोई भी, कब हाई कोर्ट में ओपन क्यों हो रहे हैं? क्या संत चमत्कार करके बाहर आ जाएंगे क्या? चलो वो नहीं तो तो कोई आप छोड़िए, एक बार ये भी नहीं जो गए क्या यूपी? है, आप एक बार अरे भी हम सत्संग नहीं करेंगे गए? क्या जब हमारे असली गुरु पिताजी आएंगे, जब जाएंगे ना, ये तो एक मान लो एक प्रचंडा अपना रखा सरकार ने, ये सरकार की नीति है, बीजेपी सरकार, आरएस ने, और इसने क्या किया, बंगीदास नाम बंगीदास बदल दिए, और 45 मेंबर 85 बना दिए, और एक मुस्कान को रूदी दीदी से बोलिया करो, रूढ़ी दीदी है इनमा मुस्कान, रूहानियत की बारिश है, अच्छा उसके बाद शाही परिवार सारा चला गया, ये क्या है? ये हमारे दिमाग में बातें नहीं जाती है। और ये भंडारा मना रहा है, इस जो हमारे लिए एक काला महीना होता है 25 अगस्त, ठीक है, हमारा गुरु जी का भी छोड़ा हुआ था हमारे से, और हमारी साध संगत पे जुल्म हुआ था, और लोग लोग तो यार गुरु गोविंद सिंह का परिवार शहीद हुआ था, 5.5 और 6 साल हो गए, लोग उनको नहीं भूलते, और हम 5.5 साल में अपने गुरु जी का इतिहास भूल गए, अपने डेरा प्रेमियों का, किसी के अंदर जमीर नहीं जागता क्या? पहले ये बताओ, क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं भी, हाँ वो भूल जाए सब कुछ, हमारी आंखों के सामने हमारी माँ बहन पे को पीटा गया था, या हमारे छोटे छोटे बच्चों को सीधा गोली मारी गई थी छातियों में, किसने किया था ये सब? गुरु की रजा थी? चलो वो तो फिर आप कितने लोग हो यहाँ पे जो नहीं जाते दरबार में? वो हम किसी की गिनती नहीं, गिनती में वो नहीं है अभी, गिनती में अब ये नहीं है अभी, हम 6 करोड़ संगत है, या हम 8 करोड़ हैं, या 2 करोड़ हैं, ये तो अपना अपना गुरु का प्रेम होता है, जिसको अपने गुरु की सोच का पता है वही अपने गुरु के लिए हक में बोलेगा। हम फेसबुक पे डालते हैं पिताजी के वचन, हम पिताजी के पक्ष में बात रख रहे हैं, वो अगली बात पिताजी के जहां तक पहुंचाना चाहता है, जहां तक वो उसकी मर्जी है, उसकी रजा है, ये हम अपना शिष्य होने का फर्ज निभा रहे हैं, ये बंदा नकली है 100%, हम हाई कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, बताओ ये गुरु नहीं है ना, ये मुखौटा बना रखा है यार, हमने ये गुरु से सोच से जुड़े ना यार, गुरु तो 1948 की बात याद रखता है, ये तो एक पंचकुला कांड को भी भूल गया, आपके तो ये मस्ताना जी के वचन है, तो वो ये भी तो तो मस्ताना मस्त जी के वचन थे जो। चलो ठीक है भैया, नहीं, आप कोई आप भी जिस सवाल, व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने